नमस्ते, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी फ्राई भिंडी। यह एक साइड डिश है, आप इसे किसी भी वेज थाली में साइड डिश के तौर पर रख सकते हैं। आप इसे खिचड़ी और पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती है। चलिए बनाते हैं क्रिस्पी फ्राई भिंडी। मैंने 250 ग्राम भिंडी अच्छे से धोकर इसे सुखा लिया है। अब हम भिंडी को इस तरीके से काट लेंगे। अगर आप बड़ी साइज की भिंडी लेते हैं तो बीच से काटकर दो हिस्सा कर लीजिए। मैंने सारी भिंडी को इस साइज में काट लिया है। इसमें लगने वाली सामग्री नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, तेल, दही, अदरक लहसुन जीरे का पेस्ट, बेसन, चावल का आटा। अब कटी हुई भिंडी में 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच से 2 चम्मच दही, 1/2 हल्दी, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच अदरक लहसुन और जीरे का पेस्ट और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालकर इन सब मसालों को भिंडी में अच्छे से मिला लेंगे। अब कढ़ाई में 1 कटोरी तेल डालकर गर्म कर लेते हैं। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम सारी भिंडी फ्राई कर लेते हैं। तेज आंच पर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। अब हमारी भिंडी फ्राई हो गई है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर इसे सर्व करते हैं। देखिए कितनी क्रिस्प बनी है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।